आज तक डिजिटल ब्रेकिंग, आज तक के शो हल्ला बोल में तीखी बहस के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने सरकार पर साधा निशाना। आलोक शर्मा ने कहा कि एक महीने में सब जेल जाएंगे। आलोक शर्मा ने ये भी कहा कि सरकार अदाणी के मामले पर पूरी तरह फंस चुकी है। ये लड़ाई स्टे की, कोर्ट की, वहाँ की नहीं है। ये लड़ाई है कि लाखों करोड़ रुपया जो एक व्यक्ति ने इस देश का लूटा, अगर उसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा तो ये तो एक सांसद की सदस्यता रद्द हुई है, बाकी सबके भी रास्ते निकाल लिए जाएंगे। ये तो अभी केवल मात्र एक ट्रेलर दिख रहा है। पहले तो दिखता था ईडी भेज दी, सीबीआई भेज दी, अब तो जो हो रहा है एक महीने में सारे फैसले आएंगे और सबको जेल जाना पड़ेगा, ये भी नौबत आ सकती है। हम तमाम प्रक्रियाओं पर न्यायालय की जो है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और वो हमारा लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है, इसीलिए अपील का रास्ता है। आपने कई एग्जाम्पल दिए अंजना जी, मैं पूछना चाहता हूं कौन सा एक भी एग्जाम्पल है कि सीजेएम की जो सबसे लोअर कोर्ट होती है न्यायालय, न्यायपालिका में उसके बाद सेशन कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, एक एग्जाम्पल बताइए कि लोअर कोर्ट में इस तरह का मैटर आया हो और अगले दिन इस तरह से एक्शन ले लिया गया हो। दिक्कत यह है कि सरकार अडानी मामले में पूरी तरह से, जेपीसी के मामले में पूरी तरह से फंस चुकी है। क्या जनता को मुंह दिखाएगी सरकार? इतने प्रचंड बहुमत के बाद अपनी संसद को नहीं चला पा रही है सरकार। तमाम जो मुद्दे हैं उसके अंदर, जो 150 पेज से ज्यादा का जो एग्रीमेंट, जो जजमेंट आया है वहां पर, उसके अंदर तमाम सवालिया निशान है।